हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिलीट मेथड के बारे में। जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट जो फाइल नेम का क्लास होता है उसके इनसाइट डिलीट नेम का मेथड होता है, और केवल केवल फाइल नेम की क्लास के पास ही डिलीट नेम का मेथड होता है। तो आज के इस लेक्चर में विद एग्जाम्पल हम डिलीट मेथड का यूज़ करके देखेंगे, ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप डिलीट मेथड का यूज़ अच्छे से कर पाए। ध्यान दें, यहाँ पर कोडेश नेम का फाइल है जिसका एक्सटेंशन .txt है। इस फाइल को हमें डिलीट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फाइल नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके कंस्ट्रक्टर में हमने फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन दिया है। अब हमें इसे डिलीट करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फाइल कहाँ पर रखा हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो हम पहले से बना लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट नेम आपको दिखाई देता है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद लोकेशन वाले ऑप्शन पे जो पाथ आपको दिखाई देता है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ये जो सर्च ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ पर इस पाथ को रखना है, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर अभी codage.txt नेम से कोई फाइल है नहीं, तो आप बना लें यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं codage.txt। ओके, अब इसे हमें डिलीट करना है प्रोग्राम के थ्रू। किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है। हमें यहीं पर पता भी चल जाना चाहिए कि हमारा जो फाइल है वो डिलीट हो चुका है। इसके लिए हम यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जो इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम कॉल करेंगे, बहुत आसान है, डिलीट नेम की मेथड को। अगर codage.txt डिलीट हो जाता है तो हमें एक मैसेज मिलेगा, और उस मैसेज के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। मैसेज दे देते हैं हम फाइल डिलीटेड। और अगर मान लीजिए कि बाय चांस ये URL या यूँ कहे कि ये जो पाथ आप दे रहे हैं जिसमें फाइल का नेम एक्सटेंशन रखा हुआ है, अगर नहीं मिलता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि ये जो डिलीट नेम का मेथड होता है, इसका रिटर्न टाइप बुलियन होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर फाइल डिलीट हो जाता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज़ अगर इसको फाइल नहीं मिल पाता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो फॉल्स रिटर्न करता है तो एल्स वाला पार्ट चलता है। जब एल्स वाला पार्ट चलता है तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, ताकि हमें यहीं पर पता चल जाए। तो यहाँ पर हम मैसेज दे रहे हैं फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से, बहुत आसान है। अब रन करके चेक करते हैं इसे। तो यहाँ पर हमने रन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल डिलीटेड, यानी कि फाइल डिलीट हो चुका है। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत आसान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर codage.txt जो था वो डिलीट हो चुका है। और आप यहाँ पर नहीं जाते हैं तब भी आप पता कर सकते हैं, एक बार और इसे रन करें। अब इसको फाइल मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर मैसेज मिलेगा फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी डायरेक्टरी यानी कि किसी फोल्डर के इनसाइट ये फाइल रखा हुआ हो तो हम उसको किस तरीके से डिलीट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर में से यानी कि डायरेक्टरी। यहाँ पर जाते हैं हम, तो यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं टेस्ट नेम से, और उसके इनसाइट हम फाइल बना देते हैं यहाँ पर कोडेश, जिसका एक्सटेंशन हम रख रहे हैं txt, इस तरीके से, बहुत आसान है। अब इसे हमें डिलीट करना है प्रोग्राम के थ्रू, तो किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपको केवल यहाँ पर जो आपका डायरेक्टरी है यानी कि फोल्डर का नेम उसको देना है, और इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इसे रन करके चेक करते हैं, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं आपको मैसेज मिला है फाइल डिलीटेड, इसका मतलब फाइल डिलीट हो चुका है। आप एक बार और यहीं रन करके चेक करें,
आपको यहीं पता चल जाएगा। अब इसको फाइल नहीं मिलेगा, फाइल नॉट फाउंड आपको मैसेज मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि ये फाइल इस तरीके से डिलीट हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बात किया डिलीट मेथड के बारे में और साथ ही साथ उसका एक एग्जांपल बनाकर समझा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।